उधर यूपी के लखनऊ में कोरोना से संक्रमित लोगों को विराज सागर दास निशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहे हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि विराज सागर दास ऐसे कोविड संक्रमित लोगों को उनके घर पर सुबह शाम दोनों वक्त का खाना उपलब्ध करा रहे हैं, जो इनका कोई नहीं है। जो किसी कारण से मजबूर हैं उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और ऐसे में विराज सागर दास ने लखनऊ में कोविड मरीजों के लिए दोनों वक्त का खाना उपलब्ध कराने की मुहिम शुरू कर रखी है और इसमें कोविड मरीज को अपनी डिटेल उपलब्ध करानी होती है। इसके बाद ही उस कोविड पीड़ित जरूरतमंद को उसके घर पर खाना पहुंचाया जाता है और बताया जा रहा है कि स्वर्गीय डॉक्टर अखिलेश दास फाउंडेशन जाड़े की जगह जगह अलाव की व्यवस्था करवाना हो या फिर जानलेवा रोग कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना हो या फिर रक्त दान शिविरों की स्थापना, महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित करने के लिए वर्कशॉप का आयोजन करवाने के साथ ही बीमार घायल मरीजों को निशुल्क एम्बुलेंस सेवा का संचालन भी किया जाता है। सबसे पहले तो मैं सबके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना और कामना करता हूँ। जो लोग कोविड से पीड़ित हैं हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो। हमारे को इसका आइडिया है कि हमारे परिवार में भी कुछ जनों को कोविड हुआ था और हमने रियलाइज करा कि उनको इतने कमजोर हो रहे हैं कि उन्हें खाना नहीं मिल रहा, अपने घर से भेज रहे थे। तो हमें आइडिया है कि हमारा किचन है, हम वहाँ पे चालू करें और इस वक्त लगभग हम 500 जनों को लंच में और 500 जनों को डिनर में खाना प्रदान करा पा रहे हैं उनके घरों में। इसको हम बढ़ा के और आगे लेके जाना चाहते हैं। पर हमारी फाउंडेशन डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता फाउंडेशन पिछले पूरे महीने से लगभग कोविड सेकेंड वेव में बहुत सारी चीज़ें कर चुकी है। हमने लगभग 5,000 हमारे पुलिस के भाइयों और बहनों को जो हमारी रात में सुरक्षा कर रहे हैं उनको मास्क सैनिटाइजर बांटे हैं। हमने लगभग 10,000 लोगों को गरीब बस्तियों में राशन पहुंचाया है उनके परिवारों के लिए। हम लोग जितना हो सके हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज चल रही हैं, उससे जो कोविड पीरियड लोग हैं उनको फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज दे रहे हैं। उसमें हमने ऑक्सीजन सिलेंडर का भी कोशिश करके लगाने की, जो हमसे हो पा रहा है हम कर रहे हैं। और अगर कोई गरीब है जिसको अगर मेडिसिन नहीं पहुँच पा रही है और हमारे को वो रीच आउट करता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको इमरजेंसी में मेडिसिन भी पहुँचा सकें। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।